हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वी जे एफ एक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे न्यू प्रोजेक्ट या सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया न्यू सीक्वेंस के प्रोजेक्ट के बारे में। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट हम प्रोजेक्ट के अंदर न्यू सीक्वेंस कैसे बनाते हैं और उसका क्या बेनिफिट होता है। आइए देखते हैं। हम ये देखिए, ये फाइल होती है, हमने EDS ओपन कर लिया है। ये आपकी फ़ाइल होगी और फाइल के अंदर आपने जो जाना है ये न्यू सीक्वेंस होता है। एक ऑलरेडी सीक्वेंस तो आपको ऑलरेडी आप जब काम करेंगे तो एक तो आपके प्रोजेक्ट के साथ में ही मिलेगा, बट न्यू सीक्वेंस जो होता है एक और न्यू सीक्वेंस हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका बन जाता है। ये जो आपका बनेगा वो आपका आएगा बीन में। बीन में आने के बाद हमने क्या करना है, ये देखिए सीक्वेंस वन आपका आ गया और टू आ गया। यानी कि अगर आप कोई वीडियो ये बन लेते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से कुछ वीडियो को उठा लेते हैं। देखिए ये हमने ओके कर लिए और इसको हम रखते हैं इस टाइमलाइन के ऊपर। ये हमने बॉयज और गर्ल की वीडियो इस टाइमलाइन के ऊपर ये रख दी है। ये देखिए, ये आपकी बॉय की वीडियो आ गई है और गर्ल की वीडियो आ गई है। ठीक है, ये हमने इस टाइमलाइन के ऊपर रख दिया है इस टाइप से। ये बॉय की और गर्ल की वीडियो हमने इस टाइमलाइन पर रख दी है। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ से इस वीडियो को यहाँ से कट कर लेते हैं और हम रख देते हैं इसके अंदर यहाँ पे। ये देखिए, अब ये क्या होगा आपका, इसको हम बना देते हैं सीक्वेंस सेटिंग में जाके मास्टर। ये देखिए, अब जब हमने मास्टर इसको बना दिया दोस्तों, तो ये हमारा एक सीक्वेंस ये बन गया है और ये हमारा हो गया मास्टर, यानी कि फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस था। अब हमें करना क्या है, ये देखिए, ये आपका सीक्वेंस टू था और यहाँ पे आपका वन आ गया है। एक वन आ गया, ये मास्टर आपका हो गया और ये सीक्वेंस टू हो गया है। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, हम इसको प्रोजेक्ट को उठा के ले आते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हम लेके आ गए हैं पूरा का पूरा इस टाइप से। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर क्लिप और सीक्वेंस में क्या फ़र्क होता है, कैसे इस पे हम किसी चीज़ को एडिट करते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।